क्या आप जानते हैं एप्पल और गूगल एक दूसरे के बहुत बड़े कंपेटिटर्स हैं, लेकिन कंपेटिटर्स होने के बावजूद गूगल हर साल एप्पल को 20 बिलियन डॉलर्स देता है और गूगल के मुताबिक ये सिंगल बिगेस्ट पेमेंट है जो वो किसी कंपनी को देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों इतने ही बड़े कंपेटिटर्स हैं तो गूगल अपने कंपेटिटर को इतनी बड़ी रकम क्यों देता है? तो उसकी सिंपल रीजन ये है कि एप्पल की जितनी भी डिवाइसेज हैं जैसे कि आईफोन, आईपैड और मैक डिवाइसेज, इनमें मौजूद सफारी ब्राउजर में गूगल एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन बना देगा। और दरअसल एप्पल डिवाइसेज में डिफॉल्ट सर्च इंजन होने का गूगल को ये फायदा है कि गूगल का जितना भी रेवेन्यू आता है वो मोस्टली सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट से आता है, जो कि रफली 104 बिलियन डॉलर्स बनता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि गूगल की टोटल ट्रैफिक का 50% हिस्सा एप्पल यूजर से आता है। मीन्स कि अगर गूगल एप्पल को 20 बिलियन डॉलर्स नहीं देता तो ये चांसेस हैं कि वो अपने टोटल रेवेन्यू जो कि 104 बिलियन डॉलर है उसमें से 50 बिलियन डॉलर का जो एड रेवेन्यू उसको वो लूज कर सकता है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि एप्पल अपना सर्च इंजन क्यों नहीं बना लेता? तो उसकी सिंपल वजह ये है कि एप्पल के यूजर्स गूगल को ज्यादा प्रेफर करते हैं और अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए एप्पल अलाउ करता है गूगल को एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन। और दूसरी तरफ एप्पल को 20 बिलियन डॉलर्स भी मिल जाते हैं इसके अगेंस्ट, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनती है।